हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देख सकते हैं मेरे टेरेस गार्डन को, कितने सारे फ्लावर्स हो रहे, कितने प्यारे लग रहे हैं, है ना। ये देखिए, क्यूट से प्लांटर्स में भी आज एक फ्लावर हुआ है, अभी कितना प्यारा लग रहा है मेरे कैट प्लांटर में, देख सकते हैं। देखिए, ये हमारी आलू की बेल ऊपर जाती हुई है, एलोवेरा प्लांट, और ये हमारे पिंक फ्लावर्स कितने प्यारे लग रहे हैं मैंने गा के। और ये जो मैंने क्यूट सा प्लांटर बनाया है, ये कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे। और ये क्यूट से चेट के प्लांट लगा दिए, क्योंकि मैंने इसमें अनमीसी और सनफ्लावर्स के जो प्लांट लगाए थे हुए ही नहीं वो, तो फिर मैंने इसमें जेट का प्लांट शिफ्ट कर दिया। और आप देख सकते हैं ये पाइन कोन है, जो ये पहले खुले हुए थे, ये कल यहाँ बारिश हुई है जिससे सारे के सारे दोबारा से बंद हो गया पाइन कोन। और ये भी कितनी प्यारी शेप में आ गया, ये सारे ऐसे ही हो गए हैं। और देखिए, और ये देखिए, और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी तोरी की बेल, और ये हमारी बटरफ्लाई भी उड़ रही है यहाँ पे, कितनी प्यारी लग रही है फूलों में बैठी हुई। देखो, उड़ गई, भाग गई। ये मेरे पिंक फ्लावर्स में बैठी है, आप देख सकते हैं उड़ गई है। और ये देखिए, हमारे भिंडी के पौधे भी कितने प्यारे लग रहे हैं, और इसमें भिंडी भी हुई है, तोड़ने वाली हो गई है। और ये देखिए, इसका फ्लावर ही कितना प्यारा है ना, येलो कलर का। ये भी प्लांट बहुत प्यारा है, ये जिससे शुगर पेशेंट्स हैं, डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनके लिए होता है। इसका काढ़ा बना के बोलते हैं पीना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। और ये देखिए, हमारी तोरी की बेल पर छत पे जाती हुई, कल जो यहाँ तोरी थी ना, वो वाली जो हुई थी, वो फ्रेंड्स गिर गई है, हवा से गिर गई है, पता नहीं कैसे। ये देखिए, ऐसी हो गई है, वो टूट के नीचे गिर गई, बनी ही नहीं। तो आप देखते हैं और कोई होती है कि नहीं होती है। आप ऊपर से देखिए मेरा टेरेस गार्डन का व्यू भी कितना प्यारा लग रहा है ना। सुबह के 9 बज रहे हैं, उसका व्यू है, तो ये फ्लावर्स पूरी तरह हुए नहीं है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। देखिए कितना खूबसूरत लग रहे हैं पिंक फ्लावर्स, है ना। क्यूट सा भी है बीच में पिंक कलर का। और ये मेरे मिर्ची के पौधे हैं, अभी तक मैंने कहीं और शिफ्ट करे ही नहीं है। और ये देखिए हमारा अनार, इसमें हमेशा फूल तो लगते हैं पर अनार कभी नहीं हुए, पता नहीं क्यों। आपके पास कोई सजेशन है तो फ्रेंड्स मुझे बताना। ये देखिए, हमारे भिंडी के छोटे छोटे पौधे यहाँ पे कितने बड़े होते जा रहे हैं। देखिए हमारा पिजन प्लांट था क्यूट सा, नारियल शेल में 2 प्लांट हुए हैं, और ये हमारा एलोवेरा प्लांट क्यूट क्यूट, जो हमारी कैट बनाई हुई है हमने उसमें, और हमारे जेड का प्लांट में भी काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। और ये देखिए, ये जो फ्लावर पॉट है, इसमें मैंने पानी डाल के पार्सले के फ्लावर्स और मॉस रोज डाले हुए हैं, ये भी अच्छे होते हैं इसमें वाइट। और ये देखिए, ये पिंक फ्लावर हुआ हमारे रैबिट में, ये टोटो में हमारा जेड का प्लांट है। और ये देखिए, इसमें भी कितने सारे मॉस रोज हुए हैं, कुछ ज़्यादा नहीं हुए पर अच्छे हैं। और ये देखिए, इसको मैंने टोटो को शेप देने की कोशिश करी है, इतना अच्छा बना नहीं है, बट फिर भी लगता है दिखने में। तो आपको ये हमारा टेरेस गार्डन के प्लांट्स कैसे लगे, आप मुझे कमेंट करके बताना, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।